बेसोफिल्स, सर बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, राइट राइट बेसोफिल्स आर द वन व्हिच इज द लीस्ट अमाउंट, ट्रू, बिल्कुल सही, राइट। ऑल राइट, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी हमने पिछले लास्ट तक में क्या देखा था और आज हमें क्या देखना है। थोड़े न्यूट्रोफिल्स को थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सो लेट्स जंप ऑन टू योर सर्कुलेशन वाला स्लाइड एंड ये क्वेश्चन हमें करने हैं बाद में, पहले हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, सो हियर वी आर, और ये हमने पिछले क्लास में हमने ये देखा था। सो इन द लास्ट क्लास दिस इज समथिंग वी हैव सीन कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। सो लिम्फोसाइट्स हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, वी हैव ऑल्सो डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ मोनोसाइट्स, हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। ग्रैनुलोसाइट्स को थोड़ा हमें यहाँ पे समझना है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रैनुलोसाइट्स राइट नाउ। इतना हमने देख लिया था कि अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के अंदर तो सबसे हाईएस्ट आपको जो मिलेंगे यहाँ पे दे विल बी माय न्यूट्रोफिल्स, दे विल बी द हाई, दे विल बी मोस्ट एबंडेंट इन द ब्लड इन टर्म्स ऑफ योर डब्ल्यूबीसीज। बेसोफिल का लीस्ट नंबर आपको मिलता है, सो बेसोफिल्स को ढूंढना एक स्लाइड के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू योर न्यूट्रोफिल्स, राइट। मुझे ये बताइए कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट में कॉमन क्या है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट में कॉमन क्या होगा? सर दोनों का खाना खाने का तरीका फैगोसाइटोसिस, दोनों का खाना खाने का तरीका एक ही होता है फैगोसाइटोसिस। Both of them are known to carry out your phagocytosis. So yes, both of them will have common way of eating food. Right. So ये हम बाद में देखते हैं. Let's look at the eosinophils. So eosinophils की जब आप बात करते हो, तो इनका जो nucleus होता है, ये आपका होता है two lobed nucleus. The nucleus is going to be a two lobed nucleus. So nucleus आपका यहाँ पे रहेगा two lobed. Two lobed मतलब आपके यहाँ पे दो लोब आपके यहाँ पे दिख जाते हैं. Right. So that's why you will have a two lobed nucleus. You will have a two lobed nucleus. That's one thing. उसके बाद आपको ग्रैन्यूल्स तो आपको दिखेंगे बिकॉज दे आर माय ग्रैन्यूलोसाइट्स, तो ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब इनको आप स्टेन कर सकते हो, यू कैन स्टेन दिस ग्रैन्यूल्स, आप इन्हें स्टेन कर सकते हो यूजिंग योर एसिडिक स्टेन इओसिन। इओसिन आपका रहता है यहाँ पे आपका एसिडिक स्टेन, तो ये स्टेनिंग करके आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेन अगर आप डालते हो तो ये इओसिन स्टेन को ये ग्रैन्यूल्स ले लेंगे, रिटेन कर लेंगे और फिर आप इन सेल्स को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो याद रखना है यहाँ पे आप एसिडिक स्टेन यूज करके इन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स वन मोर थिंग यू हैव टू नो। इओसिनोफिल्स का काम बेसिकली होता है, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ड्यूरिंग योर पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन्होंने काफी एक्टिव होना है और काफी एक्टिव होकर ये लोग अपना आके काम करेंगे। तो अगर कोई पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर आता है तो ये टाइम पे ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, ये इवन एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग योर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के दौरान भी ये लोग काफी एक्टिव होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन शो करती है या स्टार्ट करती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे थोड़ा कम करने के लिए ये लोग दौड़ के आएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये दो मेन रोल्स याद रखना, मेरे इओसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई अगर पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो टाइम पे इन्होंने आके अपना काम करना है, दे विल कम एंड ट्राई टू न्यूट्रलाइज द पैरासाइट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन ये लोग आके अपना काम करेंगे। सो दिस इज माई इओसिनोफिल्स एंड दैट इज वॉट दे आर नोन फॉर। और याद रखना इनका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका यहाँ होगा टू लोब, सो दे विल बी हैविंग द टू लोब न्यूक्लियस। तो ये होते मेरे यहाँ पे इओसिनोफिल्स और इनको हम स्टेन करेंगे विद द एसिडिक स्टेन और ये करके आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसी तरीके से आपके यहाँ पे बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स में जो सबसे पहले जिसे आप जानते हो दे आर गोइंग टू बी लीस्ट इन नंबर, दे आर लीस्ट इन नंबर, तो इनका जो नंबर होता है वो काफी कम रहता है, सो दे आर गोइंग टू बी लीस्ट इन नंबर, दैट्स अ वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे देखोगे, दे विल बी हैविंग थ्री लोब्ड न्यूक्लियस, थ्री लोब्ड न्यूक्लियस विल बी सीन। तो न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये आपका यहाँ पे होगा थ्री लोब न्यूक्लियस, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दो लोब नहीं होते, थ्री लोब आपको मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ग्रैन्यूल्स तो आपको इसमें भी दिख जाएंगे लेकिन यहाँ पे जो आप स्टेन यूज करते हो आपका होता है बेसिक स्टेन। तो यहाँ पे आपने यूज करना है आपका यहाँ पे बेसिक स्टेन और जो बेसिक स्टेन आप यहाँ पे यूज करोगे वो आपके यहाँ पे होगा मिथिलिन ब्लू, मिथिलिन
ब्लू आप यहाँ पे स्टेन यूज कर सकते हो इनको स्टेन करने के लिए. तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, इनको स्टेन इस तरीके से आप कर सकते हो और फिर आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो. तो बेसिक स्टेन ये रिटेन करेगा और आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे, राइट. अब जब हम रोल की बात करें तो याद रखना इनका काम होता है रिलीज करना हिस्टामाइन. दे आर नोन टू रिलीज हिस्टामाइन, दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन भी ये लोग काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे लोग रिलीज कर लेते हैं. सो हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज ये काफी अच्छा कर लेते हैं. सो दैट इज वॉट दे आर नोन टू रिलीज. सो दिस इज समथिंग, दिस आर द टू कंटेंट्स दे आर नोन टू रिलीज, ये लोग रिलीज करते हैं. इसके साथ साथ देखा गया है कि ये लोग थोड़े अमाउंट में आपका हिपेरिन भी रिलीज करते हैं. दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हिपेरिन एज वेल. अब आपने पढ़ा है कि हिपेरिन आपका लिवर के अंदर बनता है, बिल्कुल सही चीज आपने पढ़ी है. बट कुछ सेल्स होते हैं उनके पास पोटेंशियल रेडी टू रिलीज हिपेरिन एज वेल, तो दीज आर वन ऑफ दोज सेल्स. बेसोफिल भी आपका एक स्मॉल अमाउंट में हिपेरिन आपके यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं. सो ये सब कंटेंट आपका बेसोफिल रिलीज करेगा. और याद रखिएगा कि बेसोफिल जो आपके होते हैं वो लीस्ट अमाउंट में आपके यहाँ पे होते हैं. अब यहाँ पे आप एक चीज आप रिलेट करिए, हिस्टामाइन आपने पढ़ा था, ये आपका आ रहा था कौन से डिजीज के अंदर? हमने एक डिजीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर जिसमें हिस्टामाइन आपका रिलीज किया जाता है. सर अस्थमा. बहुत बढ़िया, वेरी ट्रू, बहुत सही. अस्थमा के अंदर आपका हिस्टामाइन आ रहा था, राइट. तो ये हिस्टामाइन जो आपका आ रहा होता है ये ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन ये आपका आता है. ये आपको दिखा था, इवन मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आपको कोई मधुमक्खी काट ले आपकी पूरी जो रेड स्किन होती है, राइट, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, राइट. उसमें भी आपका हिस्टामाइन रिलीज किया जाता है. तो हिस्टामाइन जब आपका आ रहा था उस डिजीज के अंदर, तो याद रखना ये सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. दिस सेल्स अलॉन्ग विद द मास्ट सेल, मास्ट सेल तो इन्वॉल्व होता ही है, बट बेसोफिल सेल भी आपके इन्वॉल्व होते हैं इन योर हिस्टामाइन रिलीज, ठीक है. तो इतना चीज याद रखना कि जब आपके सामने हिस्टामाइन टर्म आ रहा है तो आई थिंक यू विल एबल टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. हिस्टामाइन आपके सामने आता है, आप याद करोगे अपने अस्थमा को, राइट. और आप ये भी जानते हो कि हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर आपको क्या देगा? रिलीज करना है. और इनका नंबर रहेगा लीस्ट. न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट WBC are my neutrophils, right? Carry out your phagocytosis. Phagocytosis इन्होंने करना है and they will have multi-lobed nucleus. वो दिख रहा है आपके यहाँ पे. They will have a multi-lobed nucleus. I hope सबको यहाँ पे clearly दिख रहा है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ. किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही पढ़ने में? No sir. स्क्रीन पे कुछ दिखे ना या कुछ ऐसा हो तो प्लीज बता देना, ठीक है. सो दे विल बी हैविंग अ मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आपके यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. इनको आप स्टेन नहीं कर सकते, आप कोई भी स्टेन डालो ये रिटेन नहीं करते कलर को. सो यू कैन नॉट यूज अ स्टेन ऑन देम, राइट. और इतना ही याद रखना है आपको इसके अंदर कि दे विल कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस, बस. और कोई अलग से इसके अंदर आपको याद नहीं रखना. मल्टीलोब न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा इसके अंदर एंड दे विल कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस, इतना याद रखो. एंड देयर मोस्ट एबंडेंट सेल्स WBC इन द ब्लड. So that is something you have to know. इतना information नहीं आपको यहाँ पे याद रखना है in terms of your neutrophils. तो यहाँ पे आपके आपने तीनों देख लिया, आपके यहाँ पे granulocytes. So you have seen your granulocytes over here. ये तीन है आपके यहाँ पे granulocytes. आपके और granulocytes हम लोग last class में ही देख चुके थे, तो उससे आप already वाकिफ हैं. So this is where we have seen all the cells. अब हम पीछे जाके ये statement भी देख लेते हैं यहाँ पे. Leukocyte को हम commonly कहते हैं as a white blood cells, right? They are going to be colorless. Generally, आपके colorless होंगे, unlike your RBC. Count इनका रहेगा आपका 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. इतना इसका यहाँ पे count रहेगा in the adult human being. तो आपके RBC से तो काफी कम ही है. 6,000 to 8,000 जो आपका यहाँ पे number है, अगर देखा जाए 6,000 to 8,000 आपका RBC से तो काफी कम है यहाँ पे आपका हो जाता है, right? Nucleus आपको काफी बढ़िया यहाँ पे दिख जाएगा, right? Even though वो काफी altered shape होता है उसका, but nucleus आपको यहाँ पे दिखेगा. लाइफ स्पैन आपका इन्होंने निकाला है आपका 3 to 4 एवरेज यहाँ पे निकाला है. बट ये अगर देखोगे आप एक एक को सेपरेटली ना, देन लाइफ स्पैन आपके काफी अलग रहते हैं.
कुछ के 3 से 4 दिन रहते हैं, कुछ के काफी लंबे टाइम के लिए वो लोग रहते हैं, लाइक योर टी सेल्स बी सेल्स, बट आप याद रखो यहाँ पे 3 to 4 days एज अ एवरेज लाइफ स्पैन. ओके, एंड देन यू हैव टू मेजर कैटेगरीज, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अ ग्रैनुलोसाइट्स. तो ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. टेल से अगर आपको मालूम हो तो एक ये चैनल भी है जो आप टीवी पे देखते हो, या शायद आप नहीं देखते होंगे क्योंकि आपको बड़ा ऐसे टाइम नहीं मिलता, बट टीएलसी जब आपको यहाँ पे टर्म मिले सो दैट मींस योर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. अब ये काउंट आपका इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन. दिस काउंट कैन इंक्रीज ड्यूरिंग योर इन्फेक्शन. याद रखना अगर आपको इन्फेक्शन होता है कोई, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होता है, सो जनरली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका इंक्रीज होगा. राइट, ये नंबर आपका 6000 से 8000 के से बढ़ के आपका जा सकता है अराउंड 10 to 12,000 तक. 10 to 12,000 तक आपका ये नंबर यहाँ पे जा सकता है. ठीक है, दिस कैन हैपन अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो, दैट्स अ नॉर्मल थिंग. और जब वो इन्फेक्शन को आप ठीक कर देते हो, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हो, देन द काउंट कैन गो बैक टू अ नॉर्मल कंडीशन. सो दैट कैन पोटेंशियली सीन हैपनिंग ओवर हियर. नाउ यहाँ पे कुछ लिखी उनको हम यहाँ पे देखते हैं. तो अगर ये स्लाइड आप यहाँ पे देखोगे, सो आपको यहाँ पे आपके डब्ल्यूसी भी आपको दिख रहा है और आपको आरबीसी भी यहाँ पे आपको दिख जाता है. राइट, अब अगर आप इनको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो डब्ल्यूसी आपका यहाँ पे, आपको दो लोब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, यू कैन सी टू लोब्स ओवर हियर. तो अगर आपको यहाँ पे दो लोब अगर आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, देन आपके हिसाब से कौन सा डब्ल्यूसी है मेरा? सिनोफिल्स. बहुत बढ़िया, सिनोफिल्स. ठीक है, दैट इज व्हाई आई कैन सी ओवर हियर. राइट, सो यू कैन सी योर डब्ल्यूसी, देन यू कैन सी आरबीसी. ऐसे ही आपको दिखेंगे, आरबीसी का काउंट तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, डब्ल्यूसी का काउंट हमेशा आपका रहता है कम. राइट, नाउ सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो दिस इज समथिंग, एक बार रिपीट करता हूं मैं आपके लिए. सो व्हाट यू कैन फाइंड इन दिस, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक सेल होते हैं, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, खा लेते उसे. बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामाइन सेरोटोनिन हेपरिन एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. जो वहां पे भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन से बचाते आपको और आपको इवन एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन. पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बारे में बात नहीं किया बट वो आपको याद रखना. मोनोसाइट्स भी करते हैं आपका फैगोसाइटोसिस और ये खा जाते हैं फॉरेन बॉडी को. और लिम्फोसाइट्स में आपको मिलते टी सेल्स बी सेल्स. टी सेल्स एंड बी सेल्स दोनों ही आपके इन्वॉल्व होते हैं टू गिव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स. आपके इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्व होते हैं. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे कुछ मैंने चीजें लिख के रखी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा. जैसे कि यहाँ पे एक चीज लिखी मैंने यहाँ पे, स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. याद रखिएगा कि आपके जो डब्ल्यूसीज होते हैं उनका जो शेप होता है काफी रेगुलर होता है. दे हैव अ राउंड और दे विल हैव अ रेगुलर शेप, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने. अब इसके होने का फायदा ये होता है कि स्मॉल कैपिलरीज में से स्क्वीज करके निकल सकते हैं. They can pass through a smallest capillary और इसका यही फायदा होता है. So they will be the round or they will have an irregular shape और इसका advantage है. They can pass through a smallest capillaries. So that is something you have to know. Number यहाँ पे mention क्या हुआ है जो हम already वहाँ पे देख चुके हैं, 6,000 से 8,000 cubic millimeter आपको number मिल जाएगा. आपका total leukocyte count आपका increase हो सकता है under your infection. And leukemia क्या होता है, हमने ये बात किया था. Leukemia क्या होता है basically? Blood cancer. इट इज योर ब्लड कैंसर. बिल्कुल सही, ये आपका यहाँ पे ब्लड कैंसर. मेडिसिन बेटा, मेडिसिन वाले बच्चों को तो ये तो मालूम रहता है. कुछ मालूम हो ना हो, बच्चों को कैंसर मालूम होता है. दैट इज समथिंग आई हैव सीन एंड दैट इज समथिंग यू ऑल्सो गेट टू सी इन योर लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तभी तुम्हें ये मिलता है कि कुछ मालूम हो ना हो उन्हें लाइफ साइंस वाले बच्चों को, कैंसर के बारे में मालूम रहता है उन लोग कि क्या है क्या नहीं. सो कैंसर इज समथिंग, ब्लड कैंसर इज माइंड ल्यूकेमिया. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ एबनॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी. सो यू विल हैव अ एबनॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ योर ल्यूकोसाइट्स. सो एबनॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी विल बी सीन ओवर हियर. जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा होगा. और याद रखना कि अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा. ये जो डब्ल्यूसी यहाँ पे आपके जो बन रही है नॉन फंक्शनल है, ये बस बन रही है लेकिन ये कुछ अपना काम नहीं कर पा रहे. तो याद रखना दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द ल्यूकेमिया.
यू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ WBC इन द ब्लड, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता है. ये मत सोचना कि नंबर ज्यादा है तो वो अपना काम करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता. दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी मच फंक्शनल एंड दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ल्यूकेमिया व्हिच हैज टू बी ट्रीटेड. तो आपके हिसाब से अगर किसी को ल्यूकेमिया हुआ हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है आपके हिसाब से? आई थिंक आप लोग सोच के कुछ ना कुछ तो बता ही पाओगे. व्हाट यू कैन थिंक ऑफ अ ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया आपके हिसाब से? कुछ तो सोचो, लाइक व्हाट कैन बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट ओवर देयर. अगर आप जानते हो कि आपके ब्लड सेल बोन मैरो में से बन रहे हैं तो मैं ट्रीटमेंट क्या ले सकता हूं? व्हाट इज द पॉसिबल ट्रीटमेंट आई कैन गो फॉर? सर हम अपनी बोन्स को स्ट्रांग बना सकते हैं. ओके ठीक है. एनीथिंग एल्स? अगर इसको ल्यूकेमिया हुआ है तो उसको क्या कर सकते हो तुम? कैन आई गो फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट? कैन आई गो फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट? क्योंकि अगर मैं अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लेता हूं then possibly I can find कि मेरे नए WBCs वहाँ पे बनने लगेंगे. ये इतना सिंपल नहीं होता, इतना सिंपली मैं आपको कह रहा हूँ, but that is something I can do. I can go for, शायद आपने सुना होगा, something known as my chemotherapy. Yes sir. Chemotherapy मैं करा सकता हूँ, right? ताकि जो मेरे cancer cell उनको मैं kill कर सकूँ. I can go for that. I can go for a transplant over here. ठीक है. I can go for other techniques also, immunotherapy and all those things. You have number of ways, but yes, कुछ तरीके आप कर सकते हो to deal with this condition. But therapy भी हो सकती है. कौन सी वाली? Radiation therapy. हाँ, radiation therapy भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल. So you can go for radiation therapy as well, right? ये भी आप करते हो. बस problem क्या होता है ना इन therapies का, कि जब आप ये therapy run करते हो ना, radiation आप ले लो, chemo ले लो, वो कैंसर सेल को तो किल करता ही है, बट आपके नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करता है. इसलिए कभी नोटिस करना, पीपल हु अंडरगो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आर जनरली आर विल बी सुपर वीक. दे विल बिकम सुपर वीक एंड लूज ऑन द वेट, दे लूज देयर हेयर, सो ऑल दोस थिंग्स हैपन. दैट्स अ आउटकम ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी. वो आपको मिलता ही हमेशा देखने के लिए, एंड दैट मेक्स पर्सन लाइक क्वाइट थिन एंड वीक. ठीक है. सो या तो याद रखना, अभी फिलहाल याद रखो कि क्या होता है. हाँ जी बेटा बोलिए. तो सर्जरी भी हो सकता है क्या? सर्जरी करा जा सकता है. सर्जरी में यूजुअली करते क्यों ना, सी आई टेल यू समथिंग. जब आपको कैंसर डिटेक्ट होता है, अब कैंसर आपको कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हुआ ये बड़ा मैटर करता है. अगर आपको दिख रहा है कि आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपको मिल रहा है लिवर पे, लेट्स अज्यूम देयर इज अ कैंसर जो आपको लिवर पे आपका ग्रो कर रहा है, मतलब आपका ट्यूमर लिवर पे ग्रो कर रहा है, यू कैन गो फॉर अ सर्जरी. You can go for a surgery and you can remove that tumor. So that's the first thing they will do. But उस दौरान, उस 6 महीने के दौरान या जब आपका ट्यूमर आपको दिखा, उसके बाद काफी बार हो सकता है कि उसमें से कुछ सेल्स निकल के कहीं और जाके भी वो लोग ट्यूमर फॉर्मेशन चालू कर दें. ऐसा ही होता है कि आपका एक जगह पे आपको ट्यूमर दिख रहा है और अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो, देन यू कैन डू द सर्जरी एंड यू कैन गेट द ट्रीटमेंट डन, राइट. लेकिन अगर आप लेट कर देते हो डायग्नोसिस के अंदर, तो होता क्या है कि आपके बॉडी के मल्टीपल एरिया में आपको ट्यूमर दिखता है, मल्टीपल एरियाज के अंदर. और अगर आपको मल्टीपल एरियाज में अगर आपको ट्यूमर दिख रहा है, देन सर्जरी आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन पाता. देन सर्जरी आपका यहाँ पे ऑप्शन बन नहीं पाता. देन यू ओनली हैव टू डिपेंड ऑन रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी. क्योंकि आप अगर मल्टीपल लोकेशन पर अगर आपका ट्यूमर बन रहा है, आप मल्टीपल लोकेशन पर आप सर्जरी नहीं कर सकते, आप एक या दो पे आप कर सकते हो, एंड दैट बिकम्स अ कंसर्न. सो ये जब 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 आपको मिल रहा है पेशेंट विद अ मल्टीपल लोकेशन ट्यूमर फॉर्मेशन, देन वो स्टेज वन पे तो नहीं है, देन इट इज वेरी क्लोज टू जस्ट स्टेज 3 और 4. और यहां से रिवाइव करना बिकम्स डिफिकल्ट, इट इज समथिंग बिकम्स क्वाइट फॉर अ पर्सन. तो ऐसा है, सर्जरी आप कर सकते हो, बट एक सर्टन लेवल तक, सर्टन स्टेज पे अगर आप डायग्नोसिस कर लेते हो तो आप कर सकते हो. देन यू हैव टू गो फॉर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ओनली अगर आपके मल्टीपल ट्यूमर आपको अगर आपको दिख रहे तो. सो दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. सो दिस इज द थिंग यू हैव सीन. We are done with the WBCs over here. हमारे यहाँ पे हमने WBCs यहाँ पे हमारा देख लिया और ये हमने यहाँ पे हमारा समझ लिया, right? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और इनके काम क्या होते हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं काफी हैप्पीली. आपका NTA क्वेश्चंस बनाता है ब्लड वाले पार्ट में से, क्योंकि ब्लड वाले पार्ट में बहुत सारा कंटेंट है. अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसमें काफी अच्छा और ज्यादा कंटेंट है, देन आपको क्वेश्चन इसमें से बनते हुए आपको दिख जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट हमारे क्या होते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट. Thrombocytes are nothing but my platelets.
they are nothing but my also known as AKA, known as your platelets. जब भी मैं AKA लिखता हूँ ना तो याद रखना that means your also known as. ठीक है, ये आज बता रहा हूँ और I hope ये याद रहे आपको. So also known as your platelets. अब platelets जो होते हैं वो actually में cell नहीं होते हैं. They are cell fragments. They are actually a cell fragments rather than a true cell. ठीक है, they are nothing but they are less, they are more like a fragments over here. ठीक है, वो कुछ fragments होते हैं जिनके अंदर nucleus नहीं होता. ये वो फ्रेगमेंट्स आपके होते हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. सो दे आर फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स, राइट? दे विल बी कलरलेस इन नेचर एंड दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करेंगे. आपको अगर इंजरी होती है तो इंजरी साइट से आपका ब्लड निकलना बंद कर जाएगा, राइट, एक टाइम के बाद, और वो करने के लिए आपके प्लेटलेट्स आपकी मदद करेंगे. अब आप सोचोगे कि सर प्लेटलेट्स भी ये कर रहा है, फाइब्रिनोजन भी ये कर रहा है. सो यस, both of them will have a same role, right? और दोनों separate हैं. Fibrinogen is a protein, platelet is a cell fragment, right? जो आपका आपके यहाँ पे blood clotting में आपकी help करेगा, ठीक है? तो जैसे ही आपका यहाँ पे कोई injury होता है, so वो time पे it will come and will ensure that that particular site is been plugged. तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि समझो आपको यहाँ पे अगर injury हुआ, right? अगर आपको यहाँ पे समझो एक cut लग गया आपको यहाँ पे, तो cut लगने के बाद सबसे पहली चीज क्या होगी आपका कि RBC भागना चालू करेंगे यहाँ से. RBC पे जैसे वो wait ही कर रहे होते हैं, so RBC will start oozing out. तो ये time पे क्या होगा, you will find कि आपके platelets दौड़ दौड़ के आएंगे, right? Your platelets will come and will start forming a plug over here. They will start forming a plug. और इनके साथ है आपका fibrin भी यहाँ पे involve होगा. जो fibrin में यहाँ पे बनाता हूँ वो thin होता है, fibrin भी आपके यहाँ पे involve होता है and they collectively form a plug. जो करना बड़ा जरूरी है. अब सोचो कोई इंसान है जिसमें thrombocytes का count कम है या बहुत नहीं है. Let's assume there is an individual who has less amount of thrombocytes. तो क्या लगता है, क्या दिक्कत आएगी ऐसे person को? Blood clotting. बिल्कुल बेटा, bleeding इतनी होगी that it will be fatal. अगर ऐसा होता है ना, if you find such kind of condition, then you will find आपकी bleeding इतनी ज्यादा होती है then कि आप उसे घर पे treat नहीं कर सकते. You have to rush to a hospital. So thrombocytes अगर ना हो ना किसी के पास या कम हो, then it can be life threatening. कट लगने के बाद, ओके, सो दैट इज समथिंग आल्सो. ये आप 12th में किसको लेके कंडीशन होती है जो आप समझोगे डिटेल में, राइट, कि जब ऐसा होता है देन व्हाट विल हैपन. यू हैव अ कंडीशन नोन एज योर हीमोफीलिया. शायद आपने कभी सुना होगा, इंटरेस्ट अगर कभी पढ़ा होगा तो कभी आपने सुना होगा, देयर इज अ कंडीशन नोन एज हीमोफीलिया. जो तुम 12th में पढ़ोगे तो उसमें वही होता है कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर आ नहीं रहे होते हैं. इनका काम होता है आके ब्लड को रोकना बाहर जाने से, बट दे डोंट कम. And because of that, you will find that the person will bleed to death. अगर उसकी treatment फटाफट की नहीं गई तो. अच्छा, आप थोड़ा सोच के बताओ. I think आप यहाँ पे चीजों को relate कर पाओगे. Now see, fibrinogen एक आपका protein है. Fibrinogen आपका एक protein है. ठीक है? ये आपका protein आपको help कर रहा है clotting के लिए. आप मुझे ये बताओ कि अगर ये मेरा protein है, तो protein बनता कैसे है? How does the protein is getting formed? प्रोटीन बनता कैसे, याद करो सेल वाले चैप्टर में क्या कहता था, प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनाने के लिए. और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका फाइब्रिनोजन यहाँ पे आपका नहीं बन रहा, इफ आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट फॉर्म, देन श्योरली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो जीन था आपका, यहाँ पे जो आपका जो जीन था वो मेरा हो जाता है यहाँ पे नॉन फंक्शनल. कह सकता हूं ना मैं कि अगर आपका, मैं कह रहा हूं कि आपका प्रोटीन बन नहीं रहा, देन श्योरली आप सोच सकते हो कि यार पक्का से वो जो जीन है आपका जो फाइब्रिन बनाता था, बिकॉज दैट वाज अ प्रोटीन, दैट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. ये मेरा हो चुका है यहाँ पे नॉन फंक्शनल. और अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है कि अगर आपका जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है, देन यू कैन क्लियरली से दैट ये जो पर्सन है इज सफरिंग विद द जेनेटिक डिसऑर्डर. That's a genetic disorder. और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता. तो अगर आपको एक पेशेंट मिलता है who is suffering with hemophilia, जहां पे आपका ब्लीडिंग बहुत होगा क्योंकि आपका क्लॉटिंग हो नहीं रहा, देन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. आप उसके जीन को ठीक नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर रहा जीन, एंड इट इज नॉट फंक्शनिंग, राइट? सो यू कैनॉट हैव अ ट्रीटमेंट फॉर दैट. आप बस इंजरी होने के बाद थोड़ा उसका ध्यान रख सकते हो, राइट, बट यू कैनॉट हैव अ ट्रीटमेंट फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशन.
सो ये आपको रिलेट करना आना चाहिए कि अगर कोई, अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटीन काम नहीं कर रहा या ये प्रोटीन बन नहीं रहा, देन आप थोड़ा सोचो कि उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होगा वो काम नहीं कर रहा होगा, और अगर वो जीन काम नहीं कर रहा देन दैट प्रोटीन इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड, एंड अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी को झेलने पड़ते हैं जो आपके यहाँ पे हो सकते हैं, बाय वेयर यू विल बी ब्लीडिंग टू डेथ। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हो गया आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट पे ज्यादा कुछ है नहीं, याद रखना दे आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर बेसिकली फ्रेगमेंट्स, राइट। ये नॉन न्यूक्लिएटेड आपके होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा आपको, दे आर कलरलेस एंड विल प्ले अ रोल इन फॉर्मिंग, इन प्लेइंग अ रोल इन माय ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। ठीक है सर, अगर थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा तो उसकी जगह फिब्रिनोजन नहीं आ सकता ब्लड क्लॉटिंग के लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन है आपका, लेकिन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि क्या होता है ना, आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स आपके रहेंगे, दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज सम प्रोटीन। ये भी कुछ आपके प्रोटीन यहाँ पे रिलीज करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है उस पाथवे को चालू करने के लिए जिसके थ्रू आप क्लॉटिंग कर सकते हो। सो दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज सम प्रोटीन जो एक पाथवे को चालू करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं, जिससे के थ्रू आप क्लॉटिंग कर सकते हो। तो इसलिए ये चाहिए आपको। अगर आप कह रहे हो कि ये नहीं है और फाइब्रिन अपना काम करेगा, तो वो नहीं हो पाता, बिकॉज ये जो है आपका सेल, ये आपका सिर्फ आके खुद जाके वहां पर अटैच नहीं हो रहा, ये कुछ आपके प्रोटीन रिलीज कर रहा है, कुछ आपके एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, वो सिर्फ प्रोटीन रिलीज कर रहा है ये खुद सेल, ताकि वो प्रोटीन जाके वो पाथवे इनिशिएट कर सके टू कैरी आउट योर ब्लड क्लॉटिंग। सो यस यू नीड टू हैव देम। अगर ये नहीं है देन नहीं होगा काम, ये नहीं है या वो प्रोटीन बन नहीं रहा देन आपका काम नहीं होता। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। आपका जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, ये चीज आप कभी पढ़ोगे नहीं, इस लेवल पे आप पढ़ोगे नहीं, मतलब एटलीस्ट नीट के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे नहीं, बट याद रखना आपके क्लॉटिंग करने के लिए आपके पास होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। यू हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब ये 13 अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब आप सोचो इनमें से कुछ अगर इन्वॉल्व नहीं हुए या कुछ बन नहीं पाए, देन यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एबसेंट है। ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आपके यहाँ पे एबसेंट है। अब ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप पढ़ोगे नहीं, बट मैं स्टिल आपके साथ एक यहाँ पे स्लाइड शेयर करूंगा जहां पर उनके नाम होंगे, आपको उसमें नाम दिखाऊंगा, वी वोंट टॉक अबाउट देम, बट समझो इट्स नॉट अ वन मैन जॉब, काफी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता इनमें से कोई, नहीं होगा आपका प्लॉटिंग, आपका प्लॉटिंग वहां पे नहीं होने वाला। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव देम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ मेगा कैरियोसाइट। सो हाँ, याद रखना आपके बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ये नाम याद रख लो, यू कॉल देम एज अ मेगा कैरियोसाइट्स, और मेगा कैरियोसाइट्स में से ही आपके बनते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये याद रख लेना, अगली बार कभी आपके सामने कोई पूछ ले मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, देन याद रखना देयर आर सम स्पेशल सेल्स यू फाइंड इन द बोन मैरो, दैट द स्पेशल सेल्स यू फाइंड इन द बोन मैरो, और इनमें से आपके बनते आपके यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स, भूलना मत, याद रखना। इनका जो नंबर रहेगा वो रहेगा अराउंड 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक, राइट। सो आई वुड से 1,50,000 से लेके आपका 3,50,000 तक नंबर रहता है आपके प्लेटलेट्स का पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ऑब्वियसली इनका नंबर WBC से आपका ज्यादा है, बट आपका RBC से इनका नंबर रहेगा कम। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। After that, जैसे मैं बोला, they are involved in the coagulation or clotting of blood में ये लोग involved होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। This is one thing you have to know in terms of the thrombocyte। तो ये दो तीन चीजें हैं, और मेन चीज तो क्या है वो आपको यहाँ पे समझ आई जाएगी। So क्या आपको thrombocytes यहाँ पे सबको समझ आ रहे हैं? Is thrombocytes clear to all of you? Yes sir. Yes sir. This is something you have to know in terms of thrombocytes. And back in the mind, याद रखना कि you have 13 clotting factors, right? Which helps in the clotting, जो हम आगे देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको. So these are the things you have to know. So यहाँ पर हमने हमारे सारे blood cells हमारे देख लिया. We have seen the thrombocytes, we have seen the leukocytes, and we have seen the RBC. उसके अलावा हमने plasma हम लोग already देख चुके हैं. So we are done with the blood part. Blood वाला जो component आपका यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं. अब हमें कुछ और समझना है. Now we have to understand कि यार blood के अंदर antigens क्या होते हैं. We'll see that. बट इतना हमने यहाँ पे देख लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर जो आपके पिछले कुछ नीट एग्जाम में आपके आए थे। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, मैच द फॉलोइंग आपका यहाँ पे है, राइट।
इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, एंड देन यू हैव सम कॉलम समथिंग इन द कॉलम टू, सम स्टेटमेंट्स. तो आप मुझे ये बताओ कि आपके लिम्फोसाइट्स के साथ कौन सा यहाँ पे जुड़ेगा आपके हिसाब से, लिम्फोसाइट के साथ 1 2 3 4 कौन सा जुड़ेगा आपके हिसाब से? सर सेकंड, सेकंड या फर्स्ट? सोचो सेकंड या फर्स्ट. वन वाला, फर्स्ट वाला. लिम्फोसाइट्स में आपके आते थे टी सेल्स, बी सेल्स, और वो आपका करते प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये हो गया. हाँ, अब न्यूट्रोफिल के साथ आपके हिसाब से क्या जुड़ेगा बता दो. न्यूट्रोफिल बिल्कुल सही, न्यूट्रोफिल के साथ मेरा जुड़ रहा है सेकंड. तो मैं देख लेता हूँ कि सी के साथ टू कहाँ पे आ रहा है. सी के साथ टू मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और मेरा डी के साथ वन आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है. तो मुझे इस कॉलम में मुझे चीजें दिख रही है. तो अगर मुझे दो भी मुझे मिल जाते ना, आई कैन से दैट माई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस. ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा. ए के साथ इयोसिनोफिल के साथ मेरा आएगा यहाँ पे थ्री, क्योंकि आप जानते हो रिलीज द हिस्टा इज गोइंग टू बाकी चीजें तो आप देख ही सकते हो ना. बेसोफिल क्या कर रहा है आपके यहाँ पे? हिस्टामाइन रिलीज कर रहा है, ये तो हमने पढ़ा था. अगर ये नाम अगर आप देखते हो तो इसके नाम से लगता ये है कि ये जाके हिस्टामाइन को ब्रेक डाउन करता होगा. ये जाके हिस्टामाइन को ब्रेक डाउन करता होगा. इट मस्ट बी गोइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द हिस्टामाइन. इसको आगे टारगेट करता होगा. तो इसलिए मैंने बोला कि इसको तुम इवन कह सकते हो एज अ एंटी हिस्टामाइन की तरह भी इसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये जाके हिस्टामाइन को जाके काउंटर कर रहा है. राइट, सो वही इसलिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे डाला था. हिस्टामाइनेज लिखा उन्होंने, तो हिस्टामाइन से मत समझना. सो मेसोफिलिन होता है क्या होगा, आपको चार अगर देंगे तो एक तो वो बिल्कुल ही एलियन वाला लेंगे वो लोग आपको जनरली. सो बट यू कैन इफ यू इवन इफ यू कैन लाइक अंडरस्टैंड टू ऑफ देम और थ्री ऑफ देम, आपको आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है. ठीक है, नाउ ये वाला, ये तो बड़ा सिंपल है. फैब्रिक के साथ क्या आएगा, 1 2 3 क्या आएगा? बढ़िया, क्या हो गया मेरे इसको? राइट, वेट अ मिनट, समथिंग हैज ब्लॉक्ड. ओके राइट, नाउ इट्स वर्किंग. ब्लड क्लॉटिंग. बी के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ. बी के साथ क्या आएगा? डिफेंस मैकेनिज्म. वन समथिंग इज हैपनिंग इन केस इफ. राइट, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव. ए के साथ आपके यहां पे आ रहा है 2. So that's option D is going to be right answer in this. Option D आपने यहाँ पे जाता है, आपके यहाँ पे right answer. आप सबको यहाँ पे slide दिख रही है? Slide चली गई आपके सामने से? Sir, slide चली गई है. आपके सामने से? Yes sir. Yes sir. That is not a good sign. रुकिए. Even I think video मेरा रुक चुका है यहाँ पे. Just wait. Everything has been frozen, but the good thing is आपको मेरी आवाज आ रही है. Just give me a couple of minutes. Yes, sir. This is not something which happens very often, but hua hai aaj. All right, so you will have. Wait a minute, it might take. All right, let's do one thing before this thing starts. कुछ चीजें आप अपने बता दो जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं. I think
it is coming back. The slides are coming back finally. Yes, sir. क्या आपको स्लाइड्स यहाँ पे दिख रही है या नहीं दिख रही? ठीक है, नहीं दिख रही आप लोगों को? ओके, एंड आई थिंक वी हैव सर दिख रही है, सर दिख रही है, अच्छा दिख रही है, सर दिख रही है, यस ठीक है. राइट, वी हैव लॉस्ट अ लार्ज चंक ऑफ कंटेंट, वी हैव टू राइट. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, जो हम कर चुके हैं यहाँ पे. इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी का, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड. ये हम जानते हैं, दैट बी न्यूक्लिएटेड, दिस इज समथिंग यू नो दैट या करेंगे ई न्यूक्लिएटेड, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, They do not reproduce. क्या ये सही बात है गलत बात है? They do not reproduce. सही है गलत है? अरे नहीं, RBC में से एक नया RBC नहीं बनता, वो तो आपके बोनर में से आपके बनेंगे वहां पे, राइट. तो RBC आपका लाइक RBC जो आपका होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज इसको डिवाइड नहीं करना. एक बार इसका काम हो गया then it will die after 120 days, right? So that's a true statement. True है आपका, right? They are somatic cells. ये आपके होते हैं यहाँ पे somatic cells. ओके, ठीक है. देन दे डू नॉट मेटाबोलाइज, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, राइट. सो ये मेटाबोलाइज ये लोग नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है इन टर्म्स ऑफ योर नो न्यूक्लियस फॉर्मेशन. याद रखना कि ये लोग मेटाबोलाइज नहीं करते, मतलब ये लोग कोई भी चीज को ब्रेक डाउन करने का टाइम वेस्ट नहीं करते. उनका जो स्पेस जो होता है वहां पे, उस स्पेस में आपको मिलता है सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन. सो 1 and 3 आर गोइंग टू बी ट्रू, राइट. All their internal space is available for oxygen transport. क्या ये सही है गलत है? Sir, true है. अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो हाँ जी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इनके पास जो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस ना होने का एक मेन रीजन यहाँ पे ये है कि इनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, राइट. ये लोग कोई भी चीज को मेटाबोलाइज करते नहीं है, और इनके पास जो स्पेस है उस पर आप ऑक्सीजन को आप ट्रांसपोर्ट कराओगे. तो ये 3 आपके सबसे बेटर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके हो जाते हैं फॉर देम बीइंग ई न्यूक्लिएटेड, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर इन दिस. ऑप्शन बी आपके यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दिस, ये तो आप खुद कर दो. नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर. चैट में आप लोग आंसर कर सकते हो. आंसर दिस इन द चैट. आपने उन ब्लड सेल्स का नाम बताना है जिनके कमी होने से आपका ब्लड लॉस आपके यहाँ पे हो सकता है काफी ज्यादा, राइट. ABCD क्योंकि आंसर द चैट. हाँ जी, चैट में आपके यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, और जो भी आपके यहाँ पे आंसर, वो आपके सारे के सारे आंसर यहाँ पे सही है. यस, थ्रोम्बोसाइट्स. अगर थ्रोम्बोसाइट्स आपके पास नहीं है, देन यू कैन हैव एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड कैन हैपन, एंड दैट कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. सो यस, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड. सीरम और ब्लड में यहाँ पे क्या फर्क हो जाता है, सीरम में क्या नहीं होता? बताइए आंसर क्या होगा चैट के अंदर. चैट में इसका आंसर क्या आएगा? कर दिया तमन्ना, दैट्स राइट. गुंजन, नेहा, विवेक, नीता, पायल, करुणा, रुशिल, स्नेहा, ऑल ऑफ यू आर ट्रू. यस, आपके सीरम में आपको नहीं मिलता आपके यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉटिंग फैक्टर आपको सीरम के अंदर देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा. दैट इज नॉट समथिंग यू विल गेट टू सी इन द सीरम, राइट. हमने बोला था ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ सीरम, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ऐसे भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, राइट. बहुत से आंसर आ रहे हैं यहां पे, एंड ऑल ऑफ योर आंसर्स आर गोइंग टू बी ट्रू. यस, इट इज गोइंग टू बी माय स्प्लीन. सो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, वो ऐसे ही आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ लोग बना के देते हैं. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन is involved in coagulation of blood. इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आपका इन्वॉल्व होता है इन योर कोएगुलेशन ऑफ योर ब्लड? कौन सा होता है? राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया. ऑल ऑफ यू आर राइट ओवर हियर. यस, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी. ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे फाइब्रिनोजन.
तो फैब्रिक ओरिजिन आपका रहता है यहाँ पे प्रोटीन जो आप हेल्प करेगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब ध्यान से देखना और करना, एकदम से मत करना। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल, हाँ जी, इनमें से कौन सा आपका होता है मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल, में से कौन सा रहेगा आपके यहाँ पे, ए बी सी डी बताओ। हाँ जी राइट, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स भी आपके होते हैं यहाँ पे फैगोसाइटिक, एंड इवन योर मोनोसाइट्स आर गोइंग टू बी योर फैगोसाइटिक इन नेचर। सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर गोइंग टू बी योर फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे सही आंसर, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया, तो ऐसी क्वेश्चन आपको लोग पूछेंगे एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, अब हमने समझना है हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ब्लड ग्रुप। अब जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझेंगे दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ब्लड ग्रुप। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे समथिंग लाइक योर ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ, इसको समझते हैं हम लोग ये स्लाइड के ऊपर, लेट्स सी। तो होता है यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करूं मेरे आरबीसी की, तो आरबीसी के ऊपर होते हैं आपके कुछ एंटीजन, आरबीसी के ऊपर आपके कुछ होते हैं यहाँ पे एंटीजन, और वो एंटीजन डिटरमाइन करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर ये मेरा एक आरबीसी है तो इसके ऊपर मुझे मिल सकता है एंटीजन, समझो मुझे यहाँ पे एंटीजन मिलता है और एंटीजन का नाम है मेरा यहाँ पे एंटीजन ए। तो अगर यहाँ पे एंटीजन ए है देन मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपका ए ब्लड ग्रुप है, यू हैव अ ए ब्लड ग्रुप। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपको समझना यहाँ पे ये है कि अगर आपके आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है राइट, तो आपके ब्लड के अंदर या ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेगा बी वाला एंटीबॉडी, यू विल फाइंड एंटीबॉडी जो आपका यहाँ पे होगा राइट। सो एंटीबॉडी जो आपके प्लाज्मा में होगा इसके लिए इज गोइंग टू बी योर बी एंटीबॉडी, जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे बी वाला। अब ये कहानी को और थोड़ा समझाने के पहले मैं आपको एक चीज आप बताना चाहूंगा जो आप हमेशा याद रखना, इसको मैं रखता हूँ साइड में दो मिनट के लिए, और मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो आप हो सके तो हमेशा इसे याद रखेगा, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मैं आपको पहले बताया कि वो आपके कुछ वाई शेप की आपकी ऐसी हो जाती है एंटीबॉडीज, जनरली दैट विल बी वाई शेप्ड। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, समझिए आपके बॉडी के अंदर आता है बैक्टीरिया टाइफॉइड वाला, समझिए आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है और ये बैक्टीरिया का नाम है आपका सेल्मोनेला, हम इसे सैली नाम देते हैं शॉर्ट में। अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है, आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू करेगी, आपकी बॉडी जो होगी वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू करेगी, तो जो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनेगी उसका नाम भी हम लिखेंगे यहाँ पे सैली, एंड दिस एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर दिस बैक्टीरिया। ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनेगी ये आपकी होगी स्पेसिफिक फॉर दिस बैक्टीरिया। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि याद रखेगा कि आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो अगर मैं यहाँ पे सेली जो मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज ए एंटीजन, और जो मेरी जो एंटीबॉडी यहाँ पे है जिसको मैं ए बी करके लिखूंगा ये हमेशा बनेगी फॉर अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अगर मैं बोलूंगा कि ये मेरी एंटीबॉडी जाके निमोनिया के बैक्टीरिया को जाके मार दे तो ऐसा हो नहीं सकता, याद रखना। इफ आई वॉन्ट कि मेरा ये जो एंटीबॉडी है ये जाके निमोनिया के बैक्टीरिया को जाके मार दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिकॉज ये होती है बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर दिस काइंड ऑफ एंटीजन ओनली। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू एंटीजन, स्पेसिफिक टू एंटीजन। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर समझो आपका ब्लड ग्रुप है ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए दैट मींस आपके आरबीसी के ऊपर होगा ए एंटीजन, आपके आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन लगा हुआ होगा जिसे हम बोलेंगे हमारा ए एंटीजन। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है देन आप अपने ब्लड के अंदर ए वाली एंटीबॉडी नहीं रख सकते, आप ए वाली एंटीबॉडी आप अपने ब्लड के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, ये वाली जो एंटीबॉडी होगी इसको जाके मार देगी, ये जो एंटीबॉडी होगी अगर आपके बॉडी के अंदर, अगर आपके ब्लड के अंदर ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर और एंटीबॉडी भी अगर आपके बॉडी के अंदर ए है तो क्या होगा, ये जाके इससे अटैच हो जाएंगे, दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू दिस आरबीसी, और अगर ये अटैच हो गए देन क्या होगा, दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी।
क्योंकि हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, उसका काम वही होता है, वो उसे जाके टारगेट करेगा, उसे वो खत्म करेगा। तो ये जो एंटीबॉडी होंगे ये दौड़ दौड़ के आएंगे, ये फटाफट दौड़ दौड़ के आएंगे एंड दे विल स्टार्ट कमिंग ओवर हियर एंड दे विल स्टार्ट अटैकिंग द आरबीसी। और इसलिए आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो उसके पहले ब्लड चेक करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी का भी ब्लड उठा के आपने दे दिया। अगर आप ऐसा करने लगे देन यू विल फाइंड द पर्सन विल डाइन विद इन सम मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपने कर दिया देन उसकी एंटीबॉडीज जाकर उसे टारगेट करेगी उस एंटीजन को एंड विद इन सम मिनट्स यू विल फाइंड 10-15 मिनट्स यू विल फाइंड द पर्सन माइट कोलैप्स टू डेथ। तो एक चीज पहले यहाँ पे समझो ध्यान से कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए देन आपके बॉडी के अंदर होंगी एंटीबॉडी बी, क्योंकि एंटीबॉडी बी जाके उसे टारगेट नहीं करेगी ना, क्योंकि वो जाके बी को टारगेट करेगी और आपके पास ए है एंटीजन यहाँ पे, सो एंटीबॉडी बी जाके कभी भी ए को टारगेट नहीं करेंगी। उसी तरीके से अज्यूम करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप है बी, अज्यूम करता हूं मैं कि आपका ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे है वो है आपका ब्लड ग्रुप बी, दैट मीन्स यू हैव अ बी एंटीजन ऑन द आरबीसी, यू हैव बी एंटीजन ऑन द आरबीसी। अगर ये कंडीशन है तो क्या मैं अपने ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बी रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, आप मुझे बताओ। No, sir. वहां पे जो मैं अपनी एंटीबॉडी रखूंगा द एंटीबॉडी विच आई विल बी कीपिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी ए। ए ने जाके वहां से टारगेट करना ही नहीं, उसके लिए वो काम का ही नहीं है, वो बी को जाके भी टारगेट करेगा ही नहीं, इसका काम होता है ओनली ए एंटीजन को टारगेट करना। सो ये कहानी पहले आपको समझनी है कि अगर आपके ऊपर बी एंटीजन है देन आपके प्लाज्मा के अंदर जो होगा एंटीबॉडी इसके लिए वो नहीं होगा, इट विल बी अलग, इट विल बी डिफरेंट एंटीबॉडी, इट विल बी एंटीबॉडी ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, अगर आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका ए बी, लेट्स अज्यूम यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए बी, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी देन आपके पास होंगी नो एंटीबॉडी, यू विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर योर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी कोई भी एंटीबॉडी आपको इन दोनों के लिए आपको नहीं मिलेगी, नहीं रख सकते ना आप इन्हें, यू कैनॉट हैव एनी ऑफ द एंटीबॉडी। अगर आपने कोई भी एंटीबॉडी रखी, अगर आपने ए का ए वाली भी अगर यहाँ पे रख ली तो भी वो जाके आरबीसी को मारना चालू कर देगा, इट विल गो एंड स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ओवर देयर, सो वी विल हैव नो एंटीबॉडी इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आपकी एंटीबॉडी आपके पास नहीं होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है देन यू विल हैव एंटीबॉडी ए, अगर आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे है ए देन यू विल हैव एंटीबॉडी बी इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आप खुद ही सोच के मुझे बता सकते हो कि अगर अगर आपके पास होता है ब्लड ग्रुप ओ, इफ यू हैव ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ में आपको एक भी एंटीजन आपको नहीं मिलेगा, ना ही ए मिलेगा ना ही बी मिलेगा, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कौन सी एंटीबॉडी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, एंटीबॉडी फॉर ए एज वेल, आई कैन हैव एंटीबॉडी फॉर बी एज वेल, क्योंकि ये दोनों ही जाके मेरे ब्लड ग्रुप को टारगेट नहीं करेंगे, दे विल नेवर गो एंड टारगेट माय ब्लड ग्रुप ओवर हियर। तो पहले तो आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, अगर आपको इतना समझ आ रहा है देन यू विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। तो अब देखो यहाँ पे समझो आपका ये है ब्लड ग्रुप ओ, दिस इज माय, सो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज माय बी ब्लड ग्रुप, दिस इज माय ए बी ब्लड ग्रुप एंड दिस इज माय ओ ब्लड ग्रुप। अब आपका जो ओ ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे होता है, समझो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, राइट, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की लाइक या ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे, लेट्स अज्यूम आई हैव अ ओ ब्लड ग्रुप, कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप इज माय यूनिवर्सल डोनर, दैट इज व्हाट यू हैव हर्ड कि ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। और वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो अगर मैं ये ब्लड किसी ए वाले को दूंगा या बी वाले को दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई ऑयल नहीं आएगी, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, इनके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, और इसलिए ये ब्लड को मैं किसी को भी दे सकता हूँ, चाहे ए हो बी हो या ए बी हो, सबको मैं ये ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, एंड इट वोंट हैव अ इंपैक्ट ऑन देयर बॉडी, इट वोंट हैव अ इंपैक्ट ऑन देयर बॉडी। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सोचो जिसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप आपका रहेगा यहाँ पे ए बी, आपने सुना होगा दैट ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होते हैं दे आर कॉल्ड माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यस सर, आपने आपको
and they are called as my universal recipient. अब इनको यूनिवर्सल रिसिपियंट आप इसलिए कहते हो क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी होती नहीं इनके ब्लड के अंदर. yes, कोई एंटीबॉडी इनके पास है ना, ए है ना बी वाली है इनके पास. तो होता क्या, ये लोग किसी भी ब्लड ले सकते हैं, चाहे ओ हो और लाइक चाहे आपका ए हो या बी हो, किसी भी लोग ब्लड ले सकते हैं बिकॉज इनके बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. जो अगर वो ए वाले से भी अगर ब्लड ले रहे हैं, अगर ए वाले आरबीसी वाले इनके अंदर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंटीबॉडी तो ए के लिए यहाँ पे है ही नहीं, ना ही बी के लिए है यहाँ पे. So that's why, that's why they are called as my universal recipient. इसलिए इनको कहते हैं हम लोग यहाँ पे universal recipient हो रहे हैं, AB वालों को. ठीक है? हाँ, लेकिन जब आप A और B की बात करते हो, then आपको ध्यान रखना पड़ता है. अब आप सोचो, अब थोड़ा आप यहाँ पे सोचो कि एक ब्लड ग्रुप है B वाला, एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे है B, राइट? उसे मैंने A वाला ब्लड चढ़ा दिया, उसे ने A वाला ब्लड यहाँ पे चढ़ा दिया, देन क्या दिक्कत आएगी आपके हिसाब से, क्या प्रॉब्लम आएगी उस पर्सन को? सर उसकी डेथ हो जाएगी. डेथ हो जाएगी, लेकिन क्यों डेथ होगी, होगी क्यों सर? क्योंकि अगर ऑपोजिट ब्लड तो क्लॉट हो जाएगी बॉडी में. ऑपोजिट ब्लड में जब यहाँ पे डाला तो क्या होगा, इसके अंदर जो एंटी एंटीबॉडी ए है ये जाके उस आरबीसी को मारना चालू कर देगा, ये जाके उस आरबीसी को मारना चालू कर देगा, और इसलिए यू विल फाइंड दैट बिकम्स अ फेटल कंडीशन. तो याद रखना, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट? दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ थिंग्स बिफोर यू गो फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब हमने करना क्या है ना, पहले तो हम इस स्लाइड को यहाँ पे देखते हैं. अगर आपके पास ब्लड ए है, राइट, देन यू हैव अ एंटीजन ऑन आरबीसी गोइंग टू बी ए, और एंटीबॉडी जो आपकी होगी वो आपकी होगी एंटी बी. अगर आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे बी, देन यू विल हैव अ एंटीजन ऑन आरबीसी गोइंग टू बी, और बी वाला एंटीजन आपको मिल जाएगा, और जो आपका एंटीबॉडी यहाँ पे होगा वो आपका होगा एंटीबॉडी ए. अगर आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ए बी, देन आपको ए एंड बी दोनों एंटीजन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और आपका जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एक भी नहीं होगा, ना ही ए ना ही बी. एंड इफ यू हैव ओ ब्लड ग्रुप, देन आपको मिलेगा कोई भी एंटीजन आपको उसके ऊपर दिखेगा नहीं, एंड जो एंटीबॉडीज यहाँ पे होंगी वो दोनों आपकी होंगी यहाँ पे, ए एंड बी बोथ, बोथ द एंटीबॉडीज कैन बी सीन ओवर हियर, राइट? यहाँ पे लिखा है लोगों की, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है, देन इसके जो डोनर होंगे वो दो हो सकते हैं, इधर ओ तो हमेशा ही रहेगा और ए आपको यूज कर सकते हो, बी है तो अगेन ओ एंड बी. अगर ए बी है तो आप किसी भी ब्लड ले सकते हो, बेस्ट थिंग, कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द डोनर, राइट? एंड ओ के लिए यू विल हैव द ओ इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल डोनर, तो आपके रहते हैं तो ओ के लिए आप ओ ही दोगे, ठीक है? याद रखना, ओ वाले को आप ए नहीं दे सकते हैं, ए या बी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होगा फिर उसके अंदर, तो क्योंकि एंटीबॉडी है आपकी यहाँ पे, तो वो जाके उसे टारगेट कर सकती है, राइट? तो ये है आपका समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय एबी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. यहाँ पे हमें आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी हमें यहाँ पे समझना है, बट दैट इज समथिंग वी विल सी लेटर, बट पहले आपको इतना यहाँ पे याद रखना है. एंड व्हाट वी विल डू टुमारो, वी विल मेक सम कंडीशंस, वी विल मेक सम कंडीशंस, इतना पढ़ के आना एंड ट्राई टू सॉल्व दोस कंडीशंस, कि अगर ये ब्लड ग्रुप हुआ तो क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप हुआ तो क्या होगा. सो एटलीस्ट रीड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड let's try to solve some question based on this. So first of all, I am assuming ki wala slide aapko yahan pe samajh aa raha hai. I hope this slide is clear to all of you. Yes sir. Yes sir. Isko aap thoda aur sahi se samjhoge agli class ke andar. So these are the things you have to know. So yahan tak hi hum log yahan pe rakhenge. Kal jab hum log milenge, we'll start with the RH antigen, use hum samjhenge, and we have to understand one very important term, erythroblastosis fetalensis. Yahan mein kal samajhna padega. So that is some, these are the things we'll do tomorrow, and then we'll start the process of your blood clotting. Again, a very important topic in terms of exam, that is something we'll be doing, right? And then the lymph. So these are the things we'll be covering tomorrow, right? If you have any question, then please go ahead and ask your question. Agar aapke paas koi question nahi yahan pe, then please go ahead and ask your questions. If you don't have any questions, then yes, this is where your lecture ends. Yes. And yeah, we can catch you again tomorrow. Right, at the same time. And before we wrap up, just want to tell you. Thank you so much. My end. Yeah, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Good night. Bye, sir. Good night, sir. Yeah, bye. Good night. Thank you, sir. Bye. Yeah, bye. Good night, sir. Good night.